नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ आशीष कुमार सर हैं, जो 69 बीपीएससी का सर इंटरव्यू थे, कहीं बाहर निकले हैं और सर सबसे बड़ी बात हिंदी मीडियम से हैं। अभी सर का हम एक्सपीरियंस जानेंगे, सर का कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस टाइप का इंटरव्यू हुआ है और हिंदी मीडियम में जो भी चैलेंजेज होते हैं सर उसको बारीकी से आप सभी के साथ साझा करेंगे, कैसे उस पर काम करना है। तो अब सभी 78, 71 के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर एग्जाम में क्लियर होने वाले हैं, तो सर आपके लिए क्या टिप्स ट्रिक्स क्या स्ट्रेटेजी सजेस्ट करने वाले हैं उस पर सर से बातचीत करेंगे। तो चैनल ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, उस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इंटरव्यू के लिए, और सर इस वर्ष सर्विस भी करेंगे, फाइनल इस वर्ष जगह भी हो आपका। सर अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम आशीष है और मैंने पिछले साल तैयारी करना शुरू किया इसके बीपीएससी के लिए रेडी के वे में, और ये मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था। होप करते हैं कि आगे अच्छा रहे। सर कितना अटेम्प्ट हुआ सर आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था बीपीएससी को लेकर। इसके पहले सर दो अटेम्प्ट में कहाँ कहाँ तक हो गए? प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था, 69th वाला अभी वाला सिर्फ प्रीलिम्स हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये था कि मैं एकेडमिक्स में जुड़ा हुआ था अपने काम में और मैं यहाँ देने भी आता था, पर ये डेडिकेटेड तैयारी चाहता था। और इस बार थोड़ा जो चेंजेस किया है, थोड़ा पैटर्न यूपीएससी की तरफ लेके गया ओरिएंटेड, इस वजह से एनालिटिकल चीज़ें हो गई और वो वैसे लोगों को लाभ किया जो कंसेप्चुअली चलते हैं चीज़ों को लेके आगे। सर धीरे धीरे हम सब पे बात करेंगे। सर अभी अपना इंटरव्यू का सर एक्सपीरियंस बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या क्या सवाल सर आपसे पूछे गए? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा ही था जैसे हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, और शुरुआती दौर में तो थोड़ा सा डर लगता है लोगों को, डर एक रहता है, फिर जाते जाते आदमी नॉर्मल हो जाता है। अंदर जाने के बाद वही है, 20 पहले ग्रीट किए, ग्रीट करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा ग्रेजुएशन आपने किस में किया है, फिर आपके ऑप्शनल्स क्या हैं, हॉबी क्या है, फिर उसके बाद आज के न्यू अखबार से मेरा सवाल रहा कि आज का लोकल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बताइए, और वहाँ से फिर इंटरव्यू आगे मूव की। अब आप मुझे ये बताइए कि आप हिंदी मीडियम में सर स्टूडेंट हैं, कभी बीटेक वालों से, साइंस वालों से, इंग्लिश मीडियम वालों से मन में भय वगैरह डर कभी लगा था कि जिस तरीके से यूपीएससी वाले यहाँ भर भर के आ रहे हैं, बीटेक वाले आ रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ कभी सर मतलब कि बाकी सर स्टूडेंट को सर आप दुख समझिए, उनके मन में कहीं ना कहीं सर चीज़ होती है। आप सर यहाँ पे पहुँच गए हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही स्मूथली सारा चीज़ चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा सर, लेकिन स्टूडेंट्स में सर भय होता है, तो आप अपने सर स्टूडेंट के तौर पर सर अपना सर एक्सपीरियंस साझा करिए। देखिए मैं हिंदी माध्यम वालों के लिए जरूर बोलूंगा क्योंकि मैं उसी माध्यम से हूँ और मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स और हर्डल्स देखे हैं। हिंदी माध्यम का जो सबसे चैलेंजिंग बात है, सभी अभी आपका इंटरव्यू मैंने देखा भी है बहुत सारे यूट्यूब पे, सब आपको मोस्टली कहते हैं कि हाँ स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता ना कि स्मार्ट स्टडी से पहले स्टडी करना चाहिए, तब स्मार्टली आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हिंदी माध्यम में सबसे पहला चीज होता है कि पढ़ने का जो ये सबके लिए, हाँ लाल सबके लिए लागू नहीं होता है, बट क्या है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वो कंटिन्यूअसली पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे 8 घंटा 10 घंटा सिटिंग चाहिए होता है। ये मैं थोड़ा हो सकता है कि बहुत लोगों को अलग लगे कि घंटे में बता रहा है पढ़ाई को, लेकिन अल्टीमेटली आप एक समय पाबंद समय में ही अपनी तैयारी करते हैं, तो पहले वो होना चाहिए कि तैयारी करने के लिए डेडिकेटेड टाइम पहला। दूसरा हिंदी माध्यम अगर मेंस पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो चैलेंजिंग हो जाता है लेखनी के स्तर पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम वालों के पास कंटेंट नहीं है या वो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है। दिक्कत ये है कि उनको लिखने में वक्त लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी है क्या सर? प्रोक्रेस्टिनेशन तो किसी में भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं हिंदी माध्यम वालों में हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनको वक्त लगता है। जैसे अगर एक सेंटेंस कंप्लीट करना है इंग्लिश माध्यम वालों को, वो जब तक में करेंगे तो उससे 1.5 गुना या 1.25 टाइम लगता है हिंदी माध्यम वालों को, जो एक चैलेंज है। जहां पर मूल्यांकन के स्तर पे है तो वो देखना पड़ेगा इवोल्यूटेड कॉपी में क्या रहता है स्ट्रेटजी। तो मैं हिंदी माध्यम वालों को सजेशन पहले ये देना चाहूंगा कि आप अपना फिक्स करें, जो भी आपका पढ़ाई के लिए सिलेबस है उस हिसाब से अपना मटेरियल लें, प्लस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। जी सर आएंगे सर धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आएंगे सब कवर करेंगे सर, कि होलिस्टिक में सर बात करते हैं। एकेडमिक में सर कैसे था? पर एकेडमिक सर बैकग्राउंड क्या है, बीटेक वगैरह है या फिर सर बीटेक है सर? तो सर फिर हिंदी मीडियम कहाँ से आया? वो तो और मेरे लिए चैलेंजिंग है ना। मैं बीटेक में एक्चुअली मेरा पढ़ाई हुआ है मध्य विद्यालय खेरी, मतलब अपने रीजनल स्कूल से, ग्रामीण स्कूल से, फिर मेरा जो इंटरमीडिएट था वो भी ग्रामीण स्कूल से, सरकारी स्कूल से ही रहा, मेरी इंजीनियरिंग भी सरकारी स्कूल से ही हुई, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद मुझे सहजता हिंदी माध्यम में मिला। इंजीनियर हो कि इंग्लिश स्मूथ में कंफर्टेबल नहीं है? नहीं कंफर्टेबल है, बट मुझे सहज में, जैसे आपसे मेरी बात अभी हिंदी में हो रही है, मैं लिखूंगा वहां पे जाके तो ज्यादा मेरा प्रैक्टिस तो हिंदी चल रहा है ना, तो सहज तो मैं उसमें हो रहा हूँ। मेरे लिए चैलेंजिंग तो दोनों है,
लेकिन सहजता की वजह से मैंने हिंदी का चुनाव किया और हिंदी में होने वाले जो भी चुनौतियां थी उसको मैंने महसूस भी किया कि हाँ ये चुनौतियां हैं। कभी कितने बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट को इंग्लिश वर्ड आ रहा है, हिंदी याद उस मोमेंट में नहीं आ रहा है, ये भी मेंस राइटिंग में प्रॉब्लम एक हो जाता है उन लोगों के लिए। सर कोचिंग वगैरह कोई सीन रहा कि नहीं प्रेजर्नी में, और यदि सर रहा है तो उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिला, और यदि आपने कोचिंग नहीं करा है तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया, आपने कैसे सोच लिया कि इतना बड़ा एग्जाम रेलवे की प्रिपरेशन के लोग, कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लोग कोचिंग में जा रहे हैं, पटना वगैरह जा रहे हैं, तो ये थोड़ा बताएं आप। देखिए एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल थे और बहुत लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था यूट्यूब वगैरह पे, तो मैंने सिलेबस के हिसाब से अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज पढ़ा, जिसमें कि कुछ कुछ नाम बड़ी चुनिंदा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में मृणाल सर का वीडियोज हो गया, फिर उसके बाद ज्योग्राफी कुछ कुछ लोगों से मैंने पढ़ा, इन्वायरमेंट पढ़ा। एक्चुअली मैंने क्या किया कि अपना सिलेबस फिक्स कर लिया, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो फिक्स कर लिया, वो मुझे जहां से बेटर लगा, जिस जिस जगह से, चाहे वो ऑनलाइन सोर्स हो, ऑफलाइन सोर्स हो, बुक्स हो, मैं पढ़ा। तो इस तरह से, और मैंने अपना नोट्स बनाया प्रॉपर तरीके से। और जो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से सुनेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो बहुत जरूरी है। सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको कितना करना है और क्या करना है। सर अब जो आप बोल रहे हैं सिलेबस और PYQ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर अब जो PYQ पहले वाला सर PYQ है, अब इस तरीके से ट्रेंड वगैरह चेंज हुआ, तो अभी भी आप लोग सलाह देंगे कि पहले के PYQ, मतलब कि मेरा कहना कि मतलब कि 62वीं 63वीं 64वीं 65वीं, मतलब 68वीं से पहले की बात करूँ, तो क्या वो पढ़ना जरूरी है, या फिर जो कोचिंग संस्थान वाले मतलब कि टेस्ट लगवा रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए? आप PYQ किसके लिए बात करें, प्रीलिम्स के लिए या मेंस? प्रीलिम्स के लिए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए क्या है कि बिल्कुल जो आपका पहले से BPSC आपको क्वेश्चन पूछी हुई है, वो चाहे 68वीं की हो, 62वीं की हो, वो सब देखना है, और उसके आसपास के क्वेश्चंस को भी देखना है। खास करके अगर 70वीं के लिए बात किया जाए तो जो 69वीं है और 68वीं का जो पेपर है उसको एनालाइज करना है कि आखिर BPSC ओरिएंटेशन किस तरफ है, और उसके बाद जो जैसे UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन 69वीं में ऐसे हैं जो कि UPSC में मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया, अगर उसके आसपास अगर सर्वे करना चाहेगा स्टूडेंट उसे मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना चाहिए, अपने BPSC को भी देखना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो जुड़े हुए चीज़ें हैं उनको भी देखना चाहिए। जी सर, कंटेंट के लेवल पर कुछ बताएं, यदि ऑनलाइन सोर्सेस वगैरह को सर आपने फॉलो किया, यूट्यूब चैनल वगैरह हो गया, टेलीग्राम चैनल वगैरह हो गया, उसको सर बताएं, और बुकिश तो सर सारे लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट कोई कोचिंग का नोट्स वगैरह सर अपने फॉलो करा होगा, तो सर उसको मेंशन करें। नहीं, मैं दुर्भाग्य से जो मेंस है उसके लिए कोचिंग का नोट्स तो फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि जो BPSC का अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो इसका एक Paper 1 के लिए सिलेक्टेड चीज़ें मैंशन है, उसके बाद Paper 2 के लिए भी है, और थोड़ा बहुत करंट के साथ लेके चलना है, और मैथ्स रहता है Paper 1 में 72 मार्क्स का, तो वो काफ़ी मतलब जरूरी है, उसमें मार्क्स स्कोर करना 100% करते तो और बेहतर है। तो मेंस के लिए मैंने खुद से नोट्स बनाया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, जो भी सिलेबस में मेंशन था, और प्रीलिम्स के लिए मैंने कोशिश करा है कि जितना से ज्यादा ज्यादा PYQ लगाएं, करेंट्स के क्वेश्चन लगाएं, अलग अलग टेस्ट सीरीज के टेस्ट सीरीज लगाएं, और उसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें, ये मेरा अप्रोच रहा था। करंट अफेयर्स के सर क्या अप्रोच आपने रखा था, किस तरीके से करंट अफेयर्स पर काम किया सर आपने, क्योंकि बहुत सर वास्ट है, उसका कोई सीमा तो है नहीं, और साइंस स्टेट में कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले वहाँ भी मार खाते हैं, इसलिए मार खाते हैं सर कि वो खास करके सर आर्ट्स मिट्टी वाले सर बैकग्राउंड वाले जो हैं उनका कोई साइंस का बैकग्राउंड सर होता नहीं, तो इस दोनों को सर कैसे अच्छा किया जाए? देखिए एक्चुअली में ये कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, इसके लिए क्या होता है कि आपको औरों से थोड़ा बेहतर करना होता है, और उस हिसाब से जो और सब कोई कर रहे हैं उतना तो करना ही है, उसके अलावा हम क्या उसमें इन्हेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे कोई साइंस की बात आप कर रहे हैं, तो साइंस की बात में 10th तक के बहुत सारे सवाल हैं जो आते हैं, कुछ कुछ टच करता है, कुछ कुछ चैप्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो गया या यूनिट एंड डायमेंशंस का चैप्टर जो इंट्रोडक्टरी लेवल पे है वो टच करता है 11th 12th का भी। ऐसे केस में जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के, उनको इसके गो थ्रू होना पड़ेगा NCERT को लेकर, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलती है वहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके पास पड़ा हुआ है, और इन सब के थ्रू अगर बार बार प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन जानते हुए भी एग्जामिनेशन में गड़बड़ हो जाता है, कभी बबल करने में गड़बड़ हो जाता है, कभी टिक लगाने में जाता है, तो ये प्रैक्टिस आपको सुधार देगा। कैसे गड़बड़ हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, अगर आप किसी से सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि 10 में से 2-3 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो सही क्वेश्चन को जो है वो सही से मार्क नहीं, ये वजह इसका है टाइम मैनेजमेंट। अब वो आएगा आपको जब आप घर पे या कहीं भी आप दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो आप ये मान के चले कि आप एक्चुअली में एग्जाम में बैठे हुए हैं, वो टेम्परामेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। मीन सर आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, और आंसर का जो सर फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का होगा बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि ज्यादा सर ज्यादा बेहतर मार्क्स सर लेके आया जाए,
किस फॉर्मेट में आंसर को लिखा जाए? देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा आंसर राइटिंग के मामले में, अभी यूपीएससी के लिए ये प्रिपरेशन करना है, बीपीएससी के लिए ये प्रिपरेशन करना है, ये जो बाउंड्री लाइन है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक सही नहीं है। कारण ऐसा है कि जो यूपीएससी देता है बेसक वो बीपीएससी देता है, तो आपका जो कंपिटिटर है वो तो यूपीएससी का ही हो गया ना, तो आपके अपने जो पढ़ाई का स्तर है उसको ऊपर लेके जाना है, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम का, बार बार मैं सिलेबस की जिक्र कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आप अपना नोट बना लीजिए। देखिए होता क्या है कि एक ही टॉपिक पे 10 तरह का नोट्स होता है, बच्चा पहले तो उसी उलझन में रहता है, इसको पढ़े उसको पढ़े उसको पढ़े, अगर वहां से क्रक्स लेके आप अपना एक नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, मेन टाइम में जब आप मेंस लिख रहे होंगे आपको वही याद होगा आएगा। और मेंस में क्या होता है कि आपको वक्त नहीं मिलता है सोचने के लिए, अब बस जो पढ़े हुए होता है वहां पे लिखना होता है। जहां तक प्रेजेंटेशन की बात है उसमें तो यूजुअली सब बताते हैं कि डायग्राम, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन जितना, हाँ ये ताकि आप ऐसे सोचिए ना कि आप अगर इन्विजिलेट करते हैं कॉपी को, चेक करते हैं, तो आप कौन सी कॉपी का ज्यादा प्रेफरेंस देखना चाहेंगे, वो जो बल्क में भरा हुआ है या वो जो सटीक सटीक लिखा हुआ और काफी साफ सुथरा दिख रहा है वो? तो ये अपने जी, थैंक यू सो मच, इस बार सर्विस करूंगा कि सर फाइनलिस्ट में सर आपका नाम हो, ताकि सर एक बार और सर आपसे इंटरव्यू करने का सर मजा आए। तो दोस्तों सर ने बहुत डिटेल में अपनी जर्नी, स्ट्रगल, स्ट्रेटजी बताया, तो इस वीडियो को लाइक, सर के चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करूंगा। थैंक यू सो मच।